मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो में जीएसटी के अंतर्गत एडजुडिकेशन की जो इमारत है उसका जो बुनियाद का पत्थर है जिस पे वो एडजुडिकेशन की सारी इमारत स्टैंड करती है, खड़ी हुई है, आज मैं उस पे चर्चा करूँगा। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो विभिन्न अपने निर्णय दिए हैं और उस निर्णय के माध्यम से ये बताया है कि इस एडजुडिकेशन की इमारत का जो ये नींव का पत्थर इम्पॉर्टेंट वो है क्या और उसकी इम्पॉर्टेंस किस तरह से सबसे ज़्यादा बनती है। कैसे ये जो जिसको मैंने नींव का पत्थर कहा ये है सेक्शन 73 के अंतर्गत नोटिस। मित्रों एडजुडिकेशन करने से पहले कि कभी भी कार्रवाई से पहले हमको ये ज़रूर देखना होगा कि उसमें सेक्शन 73 की कंप्लायंस की गई है या नहीं की गई है। ये तो बहुत साधारण सी बात है। अब एडजुडिकेशन की स्थिति कब आती है? ये आती है कि साहब जो टैक्स का ड्यू है, ड्यू टैक्स है, वो आपने टाइम से जमा नहीं किया, या जो किया उसका वो कम किया, या गलत रूप से रिफंड ले लिया, रिफंड लेने के लिए प्रयास किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत रूप से उसको लिया जाने का मामला है। तो इन सारे मामलों में अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास होना है जिसमें कि डिमांड क्रिएट होती है, रिकवरी ऑर्डर है, डिमांड निकाली जानी है, इन सबसे पहले एक सेक्शन 73 के अंतर्गत एक नोटिस का दिया जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो रहा सेक्शन 73 की, और ये भी बात हो गई कि इसमें नोटिस दिया जाएगा। तो ये नोटिस दिया कैसे जाएगा, किस फॉर्मेट में दिया जाएगा, किस प्रारूप में दिया जाएगा, इसके लिए जीएसटी के रूल 142 विद इन ब्रैकेट 1 और विद इन ब्रैकेट स्मॉल ए में एक प्रोविजन दिया गया, एक प्रारूप बनाया दिया गया, एक फॉर्मेट बना दिया गया। और ये फॉर्मेट क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली इस फॉर्मेट में ये ऑनलाइन, इसको हमने इसको एक नाम भी दिया गया है, उसको कहेंगे DRC-1। तो DRC-1 में एक ये फॉर्मेट दे दिया DRC-1 नाम का, और इसमें सेक्शन 73 का जो नोटिस दिया जाना है उसका ये फॉर्मेट बना दिया गया। तो इसमें आप देखिए, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा ये इसका फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में तीन चीज़ें लिखी हुई दिखाई पड़ रही हैं। पहला क्या? ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस। तो ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस में का मतलब ये है कि जो भी केस है, जो भी मामला है, उसके एक लाइन में उसको लिख दिया जाए कि साहब ये पेनल्टी का मैटर है, या ये इंटरेस्ट क्लेम का मैटर है, या फ्रॉडुलेंट कोई उसका मैटर है, तो उसको एक लाइन में ब्रीफ लिखा जाएगा। बी में लिखा हुआ है ग्राउंड्स, और ऐसे ही छोटे से ग्राउंड लिख दिया जाएगा कि किस आधार पर ये ऑर्डर पास करने की बात की जा रही है, और इसमें अमाउंट लिखा जाएगा कि साहब अगर ये फेल हुआ, नोटिस की रिप्लाई नहीं माना गया, तो इसमें क्या किस अमाउंट को इसमें इम्पोज कर दिया जाएगा, वो अमाउंट भी स्पेसिफाइड डिस्प्ले उसमें होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। तो ये मामला बन गया कि सेक्शन 73 का नोटिस और उसको ऑनलाइन फॉर्मेट हो गया उसका DRC-1। लेकिन मेन बात तो इसमें ये आई कि क्या इसको DRC-1 में ये ब्रीफ में लिख करके एक लाइन में ग्राउंड, एक लाइन में उसके फैक्ट्स लिख करके कि क्या ये सेक्शन 73 की जो कंप्लाइंस है वो हो गई। मित्रों यही तय किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि अगर किसी मामले में डिटेल नोटिस सेक्शन 73 के अंतर्गत, ऐसा नोटिस जिसके अंतर्गत समस्त पूरे केस के फैक्ट्स मेंशन होने चाहिए, और उसमें ये भी मेंशन होना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप पर ये इम्पोज किया जा सकता है, डिमांड क्रिएट की जा सकती है, एडजुडिकेशन किया जा सकता है, ये पॉइंट होने चाहिए, और उसमें वो अमाउंट भी मेंशन होना चाहिए जिसमें कि जिसके अगर आपके खिलाफ वो तय होता है तो क्या अमाउंट इम्पोज होगा, ये सब अमाउंट स्पेसिफाइड उसमें दिखाया देना चाहिए। और वो फॉर्मेट क्या है, वो जो डिटेल नोटिस होगा वो DRC-1 का पार्ट माना जाएगा। तो उसमें इसके बिना अगर केवल कोई ब्रीफ ये फैक्ट्स और ग्राउंड्स एक एक लाइन में लिख करके ये इस तरह का नोटिस इशू करके एडजुडिकेशन की कार्रवाई की जाती है तो वो उचित नहीं है, लीगल नहीं है, इलीगल है, और वो निरस्त होने योग्य है। तो पहला मामला
ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये हमारे आपके कहने से तो होगा नहीं, ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है वो मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं पहला मामला आपके सामने लाता हूँ। पहला मामला है ऑनरेबल हाई कोर्ट झारखंड के नकास सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, रिट नंबर 2659 ऑफ 2021। ये ऑर्डर अभी हाल में ही 9 फरवरी 2022 को आया है और इसमें इसके फैक्ट्स क्या थे इस मामले में कि जो एडजुडिकेशन की कार्रवाई हुई थी वो DRC 1 के आधार पर की गई थी, उसमें डिटेल नोटिस नहीं था। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें जो फाइंडिंग दी वो मैं पढ़ रहा हूँ, वो ये है कि वी फाइंड दैट द शो काज नोटिस इज कम्प्लीटली साइलेंट ऑन द वायलेशन और कंट्रावेंशन अलाइज टू हैव बीन डन बाई द पिटिशनर रिगार्डिंग विच ही हैज टू डिफेंड हिमसेल्फ। वो वाले पॉइंट तो इसमें है ही नहीं जिनकी की वजह से जिसको उसको डिफेंड करना है। द समरी ऑफ शो काज नोटिस कैन नॉट बी ए सब्स्टिट्यूट टू ए शो काज नोटिस, ऑल्सो फेल्स टू डिस्क्राइब द नेसेसरी फैक्ट्स विच कुड गिव एन इंग्लिंग एज टू द कंट्रावेंशन डन बाई द पिटिशनर। इतना महत्वपूर्ण ये पॉइंट ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बता दिया कि अगर उस डिटेल और नोटिस में ये पॉइंट नहीं है कि जिनकी का उसको ये एकदम ये पता चलना चाहिए नोटिस को पढ़ने के बाद कि इसमें हमको रिप्लाई में क्या क्या चीज़ें देनी है, आखिर कहानी क्या है। एक थर्ड मैन, एक नया व्यापारी उस नोटिस को पढ़ करके पूरी तरह से ये समझ ले कि ये हमारा मामला क्या है और क्या पूछा गया है, और अगर मैं ये पॉइंट्स क्लियर कर दूँ तो ये मामला, ये नोटिस ख़त्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या कहते हैं, वी आर दस ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट द इम्प्रूविंग शो काज नोटिस डज नॉट फुलफिल द इन्ग्रीडियंट्स ऑफ ए प्रॉपर शो काज नोटिस एंड अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं कि साहब उनको अपॉर्चुनिटी पूरी दी जाएगी, ये उसको भी पूरा नहीं करते जो DRC 1 के आधार पर जो एडजुडिकेशन की कार्रवाई की गई है। तो उसको अब क्वेश्चन यहाँ पर एक उठ जाता है कि अगर नोटिस गलत दे दिया गया तो उस पर ऑर्डर गलत हो गया तो उस पर डिमांड गलत निकल गई तो आप फिर 107 में फर्स्ट अपील का प्रोविज़न है, आप उसमें चले जाइए। लेकिन नहीं, अगर एडजुडिकेशन की पूरी कार्रवाई में रिकवरी ऑर्डर, डिमांड ऑर्डर, जो मेन ऑर्डर है, जो उसके वो सारे के सारे ऑर्डर अपने आप ही गलत हो जाते हैं अगर सेक्शन 73 का जो नोटिस है वो अपने फुलफिल नहीं होता है अपने एम के लिए। तो इसलिए अगर ऐसा महसूस होता है किसी केस में कि साहब ये तो नोटिस ही बिल्कुल ढंग से नहीं दिया गया, जो मैंने पार्ट बताए वो सब उसमें नोटिस में नहीं है, तो उस नोटिस को डायरेक्ट इतने ऑर्डर्स होने के बाद रिट में चैलेंज किया जा सकता है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्या कहा, द चैलेंज इज एंटरटेनेबल इन एक्सरसाइज ऑफ रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट ऑन द स्पेसिफाइड ग्राउंड्स। तो अगर ये सब ऑर्डर भले ही पास हो गए हों लेकिन हम इसको रिट में डायरेक्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने चैलेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो इमारत का जो नींव का पत्थर है वही ठीक नहीं है, उसमें तो पूरी प्रॉपर उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल ही नहीं हो रही है। अकॉर्डिंगली द इम्प्रूव नोटिस एंड द समरी ऑफ द शो काज नोटिस DRC 1 आर क्वेश्चन। और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने वो पूरे जो ऑर्डर्स हुए थे, रिकवरी ऑर्डर, डिमांड ऑर्डर, जो ऑर्डर हुआ वो, इस सब के सब क्वेश्चन कर दिए और ये कहा कि क्योंकि डिटेल नोटिस नहीं है इसलिए ये एडजुडिकेशन की सारी कार्रवाई निरस्त की जाती है। तो हम क्या समझें सर, इसका मतलब ये है कि हम तो अब इतनी बात तो क्लियर हो गई। क्या तीन बातें क्लियर हो गई कि डिटेल नोटिस सेक्शन 73 या 74 जैसा भी हो देना ज़रूरी है, नोटिस में अमाउंट मेंशन होना ज़रूरी है और DRC 1 जो मेन नोटिस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो हमने ये तीन बातें बिल्कुल क्लियर कर ली। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये जो बताई वो इससे थोड़ा सा आगे है। वो क्या है, या सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला आया वो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भारती एयरटेल लिमिटेड, SLP नंबर 8654/2020। ये इसके मैं पैरा सेकंड पैरा पहले पढ़ूंगा।
इसमें लिखा है, जो मैंने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर अभी पढ़ा था उसके आगे की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो मैं बताता हूँ। इफ द शो कॉज नोटिस डज नॉट स्पेसिफाई ए ग्राउंड, डज नॉट स्पेसिफाई ए ग्राउंड, द रेवेन्यू कैन नॉट बी अलाउड टू रेज ए फ्रेश प्ली एट द टाइम ऑफ एडजुडिकेशन। से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि अगर जिन ग्राउंड पर एडजुडिकेशन की कार्रवाई की गई है उन वाला ग्राउंड अगर उस नोटिस का पार्ट नहीं है, 73 का जो नोटिस, डिटेल नोटिस की जिसकी बात की गई है उसमें उसको नहीं किया, तो वो नई प्ली उस नहीं ली जा सकती। उसी बातों पर, उसी ग्राउंड्स पर वो इमारत खड़ी की जा सकती है जो कि नोटिस के अंदर मेंशन की गई हैं। जिन ग्राउंड्स को नोटिस में नहीं दर्शाया गया है उस ग्राउंड को एडजुडिकेशन का आधार नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए इसका पहला पैरा जिसमें कि ये बताया गया कि सब DRC 1 है, ये तो प्रारूप है, ये फॉर्मेट है, ये तो सब ऑनलाइन दिया गया है, तो उसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है। द कॉमन पोर्टल ऑफ द GSTN इज ऑनली ए फैसिलिटेटर। द फॉर्मेट ऑफ DRC 1 और DRC 1A आर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑन द ऑनलाइन पोर्टल टू फॉलो अप द प्रोसीडिंग्स बींग अंडरटेकिन अगेंस्ट द SSC। दे themselves कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट द इंग्रीडियंट्स ऑफ ए प्रॉपर शोकास्ट नोटिस। वो प्रॉपर शोकास्ट नोटिस के का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से भी क्लियर हो गई। तो अब यहाँ तक तो हम लोग आ गए, लेकिन इसके बाद एक मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट झारखंड का एक मामला और लूँगा जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग वे में ये बात तय करी गई। वो मामला है RK ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट नंबर 1404 ऑफ 2020, और ये ऑर्डर अभी 16 फरवरी 22 में आया है। अब इसमें, इसके पहले मैं थोड़े से फैक्ट्स क्लियर कर दूँ, इस ऑर्डर के फैक्ट क्या थे। इसमें ये था कि GSTR 3B जो रिटर्न होता है वो जुलाई 2017 से लेकर दिसंबर 2019, मतलब सवा दो साल के बाद इसको फाइल किया गया, डिले हो गया ये, तो पीरियड इतना लंबा था डिले का, तो उस पर इंटरेस्ट की कार्रवाई हुई और इंटरेस्ट के लिए इसमें रिकवरी ऑर्डर पास किया गया। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि सेक्शन 50 में ये कहा गया है कि साहब जो तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना डिले है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट में दे देना चाहिए, जो नहीं दिया गया तो रिकवरी इशू कर दी। लेकिन रिकवरी इशू करने से पहले एक उन्होंने वही नोटिस इशू किया और उस नोटिस में ये कहा गया कि क्यों ना आपकी इंटरेस्ट के लिए इतनी कितनी रिकवरी 83,96,873 रुपये की रिकवरी आपको इशू क्यों ना कर दी जाए। तो इसके रिप्लाई में उन्होंने ये बताया कि साहब कुछ पैसा तो उनका जमा है और कुछ पैसा जो जमा है वो उस पर इंटरेस्ट तो नहीं लिया जाना चाहिए, उसको लेस करके लिया जाना चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने रिप्लाई में कहा, लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया और सीधे सीधे रिकवरी ऑर्डर पास कर दिया गया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ये रिकवरी ऑर्डर को चैलेंज किया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जिसमें कोई एडजुडिकेशन की ज़रूरत थी या नहीं थी, तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत इंटरेस्टिंग वे में जो फाइंडिंग दी वो ये है, दो द लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इज ऑटोमेटिक बट द सेम इज रिक्वायर्ड टू बी एडजुडिकेटेड इन इवेंट एन SSC डिस्प्यूट द कंप्यूटेशन और वेरी लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट वाई इनिशिएशन ऑफ एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73 और 74 ऑफ CGST एक्ट। अगर कोई भी किसी भी स्तर पर उसको चैलेंज किया गया है कोई, तो उसको एडजुडिकेशन के थ्रू ही ऑर्डर पास करना पड़ेगा, डायरेक्ट रिकवरी नहीं पास की जा सकती। इन आवर ओपिनियन टिल सच एडजुडिकेशन इज कंप्लीटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी टर्म एज एन अमाउंट पेबल अंडर द एक्ट और द रूल्स। तो रिकवरी किस अमाउंट की जारी होनी है, वो अमाउंट जो कि पेबल अंडर द एक्ट एंड रूल्स है, उस अमाउंट को, तो जब तक यही तय नहीं है कि वो अमाउंट जो पेबल अंडर द एक्ट है वो है क्या, क्योंकि उसको उसके खिलाफ तो एक एप्लीकेशन डाल दी गई है कि साहब आपने कैलकुलेशन गलत किया है, तो जब तक ये तय नहीं हो जाएगा
तो ये तय कैसे होगा? ये सेक्शन 73 का नोटिस दिया जाएगा, प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा, डिटेल नोटिस दिया जाएगा, और उसकी जब सुनवाई पूरी होगी, उसकी अपॉर्चुनिटी पूरी होगी, उसके बाद जो ऑर्डर पास किया जाएगा, उस ऑर्डर के बाद ही रिकवरी ऑर्डर पास किया जाएगा। अदरवाइज दस विदाउट इनिशिएशन ऑफ एनी एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग नो रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 79 ऑफ द एक्ट कैन बी इनिशिएटेड फॉर रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। ये क्लियर कर दिया कि अगर इस तरह की, अगर किसी ने उस पर चैलेंज नहीं किया तो फिर बर्बादी ख़त्म हो गई, लेकिन अगर किसी भी स्तर पर ये चैलेंज किया गया कि साहब ये मामला इस तरह से नहीं बनता है, जो अमाउंट नोटिस में शो किया गया है वो गलत है, तो उसका एडजुडिकेशन ही करना पड़ेगा और उसके तहत उसको 73 का नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस प्रॉपर होगा और उसका जवाब होगा, अपॉर्चुनिटी होगी, और उसके बाद ऑर्डर पास करके ही रिकवरी ऑर्डर डाला जाएगा। तो मित्रों, ये रहा एडजुडिकेशन का नींव की इमारत का, नींव का पत्थर, जिस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनरली इसकी तरफ ध्यान कम दिया जाता है, लेकिन मैंने इसलिए इस पर आज का ये वीडियो अपना बनाया क्योंकि इसके आधार पर सारा के सारी जो इमारत है, एक ऑर्डर दूसरा ऑर्डर, ये सब के सब निरस्त किए जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा मित्रों, कमेंट करके बताइएगा, और इसके साथ में इसको अगर आपको अच्छा लगे तो इसको तुरंत लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि डायरेक्ट अगला मेरा नोटिस, अगला मेरा जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी सीधे आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, नमस्कार।